वेलकम फ्रेंड, लेक्स सिटी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। देखते हैं, आपका फेज़ टू ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ PSL का क्या रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका मेडिकल है वो जस्ट एक क्लियर स्टेज होता है, उसमें कोई मार्क्स आपके काउंट नहीं होते। क्योंकि PSL होता है वो मेडिकल में जो एब्सेंट होते हैं, कुछ भी हो, अगर मेडिकली फिट अनफिट सबका बनता है दोस्तों PSL। बट दोस्तों देखते हैं कि आपका PSL में कितना कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा दोस्तों कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा एनरोलमेंट लिस्ट में या नहीं आएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें, उसमें मेडिकल से रिलेटेड भी डाउट है, फेज़ टू आपका कैसे रहा, बाकी AC पे वो सारे देखेंगे। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि हम पिछले PSL है उनका भी एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे डिसाइड करेंगे फाइनल आपका कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट जो इंटेक था आपका 2/2019, उसमें दोस्तों एक्स ग्रुप का, ये तो दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ है, इन पे ध्यान मत दीजिए, इनको आपके बारे में पता ही होगा। तो इसमें क्या रहा था दोस्तों, फेज़ वन का जो कट ऑफ रहता 27.75 फेज़ वन का रहा था। फर्स्ट इनटेक ये जो ऐसा था, इससे पहले क्या दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं था, बट इस इनटेक में नेगेटिव मार्किंग था, इसलिए कट ऑफ फेज़ वन के लिए काफ़ी डाउन आया है, ठीक है दोस्तों। इसमें PSL कट ऑफ रहा था दोस्तों 32.25, इसमें +4.5 का लमसम जो अप्रोक्स है वो दोस्तों इंक्रीज़ हुआ था PSL के लिए। PSL के बाद भी जस्ट थोड़ा, कभी कभी बीच में दोस्तों PSL के बाद भी थोड़ा इंक्रीज़ होता है, बट उतना नहीं होता। तो दोस्तों देख लीजिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, इससे पीछे वाले इंटेक में दोस्तों +2.25 से ऊपर कभी नहीं गया, ठीक है। यानी +2 नंबर हम मिनिमम ले सकते, मैक्सिमम ले सकते हैं +2.25 तक। तो इसमें +2.25 आगे देखेंगे, इसमें 2.5 से आगे कट ऑफ में नहीं गया था। बट दोस्तों वाई ग्रुप का जो फेज़ वन का 32.75 रहा था, और इसका जो है PSL कट ऑफ वो है 34.25, यानी इसमें जो 35 नंबर वाला था वो सेफ था, और 34.5 वाला भी दोस्तों इसमें सेफ कह सकते हैं, क्योंकि बाद में PSL के बाद कट ऑफ में बहुत कम इंक्रीज़ होता है, क्योंकि मेडिकली जो अनफिट होते हैं वो भी आउट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा था किसका, इनटेक 2/2019 का। अब दोस्तों देखते हैं कि आपका 1/ जो था 2020 इनटेक जो अभी है, जिसका अभी जॉइनिंग चल रहा है, उसमें क्या रहा था। तो दोस्तों ये सेक्शनल कट ऑफ है, ये आपको पता ही है कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। उसमें दोस्तों आउट ऑफ 70 मार्क्स में से फेज़ वन का रहा था 36.25 फेज़ वन का, और जो फेज़ टू का था दोस्तों इसमें 37.25। यानी देख लीजिए दोस्तों इसमें 1.50, मैंने बताया था ना दोस्तों 1.50 से लेके या 1.25 से लेके 2.50 तक रहता है, यानी ये इसका कट ऑफ रहता है, यानी दो नंबर या ढाई नंबर का मैक्सिमम जो है PSL में कट ऑफ रहता है। बट दो ढाई नंबर से जिसके ज़्यादा नंबर है तो वो दोस्तों फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट के लिए बिल्कुल श्योर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे आगे अब आपका जो PSL है वो किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि इस बार दोस्तों मेडिकल जो फेज़ टू है उसमें GD में काफ़ी कैंडिडेट आउट हुए हैं, 60% दोस्तों, 50-60% बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो इसमें क्या रहा था, इनटेक 1/2020 में वाई ग्रुप का क्या रहा दोस्तों, ये रहा था दोस्तों, ये डाटा जो है ऑलरेडी आप चेक कर सकते हो, मैंने साइट से लिए, साइट से लेके ही आपको दे रहा हूँ, ऐसे नहीं गलत डाटा कुछ भी लेके आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर कुछ भी आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो मेरे को, और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो दोस्तों व्हाट्सएप का नीचे लिंक भी दिया है, टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आपको सारे अपडेट मिलेंगे, PDF फाइल भी मिलती रहेंगी, जो वेरियस जो अदर साइंस के GK क्वेश्चन पेपर अभी लेके आऊँगा तो उसके भी रिगार्डिंग आपको जितनी भी है PDF फाइल उसकी मिलती रहेगी, इसलिए। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं वाई ग्रुप का क्या रहा था, इसमें 37.25 फेज़ वन का रहा था, और इसमें PSL कट ऑफ में क्या रहा था 39.25, यानी इसमें देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, जस्ट +2 मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है। इसमें +2 बढ़े थे, इसमें 1.5 बढ़े थे, तो इसीलिए दोस्तों हम देख सकते हैं। बट उससे लास्ट इंटेक में क्या होता दोस्तों, जस्ट नेगेटिव मार्किंग की थी, इसलिए उससे काफ़ी मतलब ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन हुए, बट मैक्सिमम पिछले से पिछले इंटेक में भी देखें तो भी यही रहता है। एक्स ग्रुप में जो आपका जाता है, एक्स ग्रुप का है वो +1.25 से लेके +2.50 तक ये रेशियो रहता है, और वाई ग्रुप में जो रहता है +1.50 से लेके +2.50, यही इसमें
वाई ग्रुप में रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब आपका जो है फेज़ वन का कट ऑफ क्या रहा था इंटेक 2/2020। इसका रहा था दोस्तों एक्स ग्रुप का 28 मार्क्स और वाई ग्रुप का रहा था 33 मार्क्स। तो आप इसमें देख लीजिए दोस्तों, प्लस 1.50 से लेके 2.50 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, और इसमें दोस्तों प्लस 1.50 से 2.25 भी ऐड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतना ही कट ऑफ जाता है। तो दोस्तों ये रहा है, मैंने ये बनाया वही आपका ही रिव्यू था। तो कैंडिडेट इसमें जैसे 1.50 से ऐड करेंगे तो इसमें मैंने प्लस 2 मार्क्स है वो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, मतलब एक तरह से सेफ जोन के लिए मैंने इसमें ऐड किए। तो इसका जो कट ऑफ है दोस्तों 2.950 से लेके 2.32.75 तक रहे, यानी 32.75 इसी के बीच में रहेगा। इसके बीच में जिसका नंबर है तो मतलब आ सकता है, यानी मिनिमम ये रहेगा मैक्सिमम ये रहेगा पीएसएल का। इससे ऊपर है जिसका भी है वो सेफ जोन में, इनरोलमेंट लिस्ट के लिए सेफ जोन में। और तो वाई ग्रुप का दोस्तों है 34.25, यानी 1.25 मैंने इसका एक्स मार्क्स जोड़े 33 में और 2.50 जोड़ेंगे तो इसमें दोस्तों ये 35.50 से जिसका भी ऊपर है वो दोस्तों सेफ जोन में, क्योंकि दोस्तों अभी मेडिकल भी बाकी है। मेडिकल में भी दोस्तों हमें पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट अनफिट हो रहे हैं। जैसे ही आपका मेरे को रिव्यू मिलता है तो नेक्स्ट पीएसएल जैसे मेडिकल के बाद मेडिकल का जैसे रिव्यू है वो भी आपको देता रहूँगा, और मेडिकल में कितने कैंडिडेट को अनफिट किया जा रहा है वो भी मैं सारे आपको दूंगा, क्योंकि मेडिकल में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो क्रैक नहीं करवाए जाते, यानी री मेडिकल भी होगा तो भी फिट नहीं होंगे, तो वो देखा जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपकी पीएसएल कब आएगी, तो पीएसएल की दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपकी पीएसएल आएगी 30 अप्रैल, जो आपका है 30 अप्रैल 2020 को आएगी। ठीक है दोस्तों, उस डेट को आपको पीएसएल आएगी, उससे पहले आपका मेडिकल भी होगा और रीमेडिकल भी होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेडिकल जिनका होगा उनको कुछ प्रॉब्लम या कुछ पॉइंट होगा तो उनका रीमेडिकल भी करवाया जाएगा। तो दोस्तों आपको 30 अप्रैल 2020 को आएगा। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट करवा दूंगा। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर उसके अलावा भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत है मेडिकल से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और फिर भी कोई डाउट है तो दोस्तों मैं हूँ, आपको कहीं ना कहीं आप कैसे भी कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप बाई मैसेज ही कॉन्टैक्ट कीजिए दोस्तों, व्हाट्सएप लिंक पर आप वहाँ लिंक को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे क्या है बाकी कैंडिडेट है वो अपीयर होके आए हैं मेडिकल या कुछ में, तो वो क्या है आपको सही जो है डायरेक्शन सही तरह से गाइड करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए हूँ वहाँ पे, मैं आपको सही से प्रॉपर जो गाइडेंस है वो दूंगा, कोई भी पर्सनल हो तो वो भी मैं दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।